पहले आप लोग बहुत सारे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर इट एक्सीड मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर इन मच लार्ज फंक्शन एंड कॉस्ट। मतलब मिनी और माइक्रो कंप्यूटर को बढ़ा करके हायर फंक्शन यानी ज्यादा फंक्शन और ज्यादा कीमत वाला जो इसको बनाया जाए इसको मेन फ्रेम को। इसका उपयोग इज यूज टू बैंकिंग सेक्टर। इसका उपयोग बैंकिंग सेक्टर में होता है पेमेंट के लिए और कंपनी सेट बिल मतलब कंपनी में बिल को भेजने के लिए और यूज टू रिकॉर्ड ऑफ परचेस की और जो भी वस्तुएं खरीदी जाती है कंपनी में उसका रिकॉर्ड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल में है सीबीएस साइबर उसके बाद जो है कि आईबीएम का 438। इस तरह से हम लोग जो है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। इसमें दिक्कत है तो बोलिए। मतलब कहने का है कि मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर को मिला दिया गया। मिनी कंप्यूटर प्लस माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर ये दोनों मिल गया तब बना मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो क्या है कि मिनी कंप्यूटर यानी सबसे छोटा है थोड़ा माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं छोटा छोटा जो भी डेस्कटॉप हो लैपटॉप हम लोग माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं और इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मिनी कंप्यूटर होता है और ये दोनों जब मिलता है तब मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ठीक है मिलते हैं आगे।